हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विज फॉर लाइफ। तो हम जा रहे हैं मनाली फॉर द ओकेजन ऑफ वैलेंटाइन। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज किया है, तो हमने कैब बुक कर ली है, वो जस्ट अभी आने वाली है। एंड कैब से हम जाएंगे दिल्ली, एंड दिल्ली से हमारी बस है मनाली। हमारा जो ट्रिप है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। एंड ये जो साथ में मेरे कबूतर सिंह हैं, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है ये वैलेंटाइंस डे ट्रिप। एंड अभी हमने बस बोर्ड कर ली है, एंड नियर अराउंड 10 o'clock हमारी जो बस है यहाँ से निकलेगी दिल्ली बस स्टैंड से। एंड सुबह मॉर्निंग में 11 o'clock अराउंड हम मनाली बस स्टैंड पहुँच जाएंगे, एंड वहाँ से हम जाएंगे सीथन वैली। कबूतर दीदी आई मुझे ट्रैफिक पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ, मुझे घूमने जा रहा है, घूमने जा रही है। अभी बजे हैं 11, एंड हमारी जो बस है वो ढाबे पे रुकी है ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए। एंड ये जो ढाबा है वो है शिवा ढाबा, मैं आपको दिखाती हूँ। सो आफ्टर अ हॉल्ट ऑफ 30 minutes एंड थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद हमारी जो बस है 30 minutes के बाद यहाँ से निकली। एंड मॉर्निंग में मनाली हम पहुँचेंगे नियर अराउंड 10:30, एंड अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो हम 10:30 पहुँच जाएंगे। तो सो कैसा लग रहा है मनाली पहुँच के? अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ आवर जीप जिसमें हम जाएंगे सीथन वैली। From मनाली to सीथन it takes around 1 hour, and depending upon the condition of the roads आपको 1 hour लग जाता है वहाँ पहुँचने के लिए। एंड वहाँ पहुँचने के लिए आपको ऑलरेडी एडवांस में जीप बुक करनी पड़ती है। हम जीप में बैठ चुके हैं एंड हम जा रहे हैं सीथन वैली। सीथन में हम जहाँ स्टे करने वाले हैं दैट इज़ सीथन हाइट्स, तो वहाँ के जो ओनर हैं विनोद भैया, उनके थ्रू ही हमने ये जो जीप है वो बुक करवाई है। एंड जो जीप या फिर गाड़ी हायर करने के जो प्राइजेज हैं वो ऑफकोर्स सीज़न टू सीज़न वेरी करते हैं, बट इस टाइम पे जो हमने जो गाड़ी बुक करवाई थी वो करवाई थी अराउंड 4,000 to 5,000 के अराउंड। एंड अगर आपको कोई कंपनी मिल जाती है जो मनाली से सीथन आ रही है, तो उस केस में आप जो प्राइजेज हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। ये रहा रूम जो हमें अलॉटेड है, बाहर का व्यू हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। सो दिस इज आवर रूम, तो आप देख सकते हैं ये पूरे रूम का व्यू है। एंड जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं इसका नाम सीथन हाइट्स है, तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा ये, अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो इसकी बुकिंग आप गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी इसका पेज है सीथन हाइट्स के नेम से, एंड वहाँ पे जो भैया हैं ओनर हैं यहाँ के, उन्होंने अपना नंबर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप उसके थ्रू भी भैया से कांटेक्ट करके आप बुकिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको रूम का व्यू दिखाती हूँ जिस वजह से हमने सीथन हाइट्स को चूज़ किया। तो फॉलो मी। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ आवर रूम। हमारे रूम से इतना खूबसूरत व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ से, तो चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एंड हम वो जो गाड़ी जहाँ से आ रही है हम उस रास्ते से आए हैं यहाँ पे। एंड इस साइड भी जो रूम का व्यू है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सी दिस इज़ द व्यू ऑफ आवर रूम। एंड अगर मैं यहाँ के चार्जेस की बात करूँ तो इट्स 2500 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है। एंड जो चेकआउट टाइम है यहाँ से नियर अराउंड 11 o'clock है एज यूजुअल जैसे होता है। तो मैं साथ ही साथ रूम दिखाने के साथ आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ, इसका बालकनी व्यू। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है ये। सो कम, तो ये है बाहर का व्यू। सो ये देख सकते हैं आप बाहर का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है, हर जगह स्नो ही स्नो गिरी हुई है। तो
तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो जस्ट अभी हम पहुँचे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम दो दिन के लिए स्टे करने वाले हैं यहाँ पे, एंड स्पेशली वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो हमें प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी, हम एक और बार पहले भी आ चुके हैं सीतन। तो पिछली बार हम यहाँ से थोड़ी दूर पे हिमालयन लाउंज है, वहाँ पे स्टे किया था, वो भी बहुत खूबसूरत था, बट ये थोड़ा सा डेवलप्ड है उसके कंपैरेटिवली। एंड नियर अराउंड यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कैफ़ेज़ हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं उस साइड, तो कुछ भी आपको फास्ट फूड खाना हो तो आपको यहाँ से हर एक चीज़ अवेलेबल होगी। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ आपको कि यहाँ पे जब आप स्टे करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑफकोर्स वाईफाई की फैसिलिटी ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे है तो आपको नेटवर्क इशू आएगा, वाईफाई बहुत अच्छा चल रहा है हमारे फ़ोन का। वो रहा हमारा रूम, एंड हम जस्ट अभी फ्रेशन अप होके अब हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बाहर आके ये फ्रेश स्नो, एंड बहुत मज़ा आ रहा है हमें, एंड आई होप आपको भी मज़ा आएगा हमारे साथ हमारी वीडियो देख के। तो आइए चलते हैं। सो वी हैव कम हेयर फॉर लंच, एंड अभी देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, हम उस अकॉर्डिंग अपना लंच ऑर्डर करेंगे एंड आपको भी बताएंगे कि हमने क्या ऑर्डर किया। बेसिकली यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों का ऑप्शन है, बट हम चूज़ करते हैं कि हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं, विल शो यू ऑल्सो। सो वी आर हैविंग कड़ी राइस, बहुत टेस्टी है, देख सकते हैं आप, यू लाइकिंग इट। सो राजमा चावल ट्राई करने के बाद हम एक नया कैफ़े एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आपको दिखाती हूँ मैं। सो दिस इज़ द कैफ़े एंड द नेम ऑफ द कैफ़े इज़ द विलेज कैफ़े, आप देख सकते हैं। तो सीथन में आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे खाने की वैरायटी, खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड स्पेशली हिमाचली डिशेस भी आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी, जैसे सिड्डू हो गया, बट वी थॉट टू ऑर्डर ब्रेड ऑमलेट क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो गया था, तो हमने सोचा कि सिड्डू हम बाद में ट्राई करेंगे। सो ये हमारी पहली नाइट थी सीथन हाइट्स में, एंड ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये डाइनिंग एरिया है, आप यहाँ पर आराम से बैठ के अपना डिनर कर सकते हैं, एंड हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय की अपनी पहली नाइट सीथन हाइट्स में। को डिनर अलॉन्ग विद म्यूजिक इंजॉय करने के बाद हमने शुरुआत की अपने पहले दिन की सीथन हाइट्स में। तो जैसा कि आप हमारे रूम से व्यू देख सकते हैं, चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है। आज है 14 फरवरी, दैट मीन्स वैलेंटाइंस डे, एंड हम थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करके आ चुके हैं अपने रूम पे। हम जा रहे हैं बाकी जगह को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम आपको आज के दिन यहाँ पे इग्लू भी दिखाएंगे जो बेसिकली स्नो से भरा हुआ बना हुआ है, एंड जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वो रहा हमारा होटल बेसिकली सीथन हाइट्स, एंड अब हम जा रहे हैं जहाँ पे इग्लू बने हुए हैं, तो हम आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से स्नो से इग्लू बने हुए हैं, एंड वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, एंड तो चलिए चलते हैं। वो रहे विनोद भैया, तो वो रहे विनोद भैया जो कि हमारे होटल ओनर हैं, सो इंट्रोड्यूस कराते हैं भैया के साथ। हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया। ये रहे विनोद भैया हैं, ये हेलो, ये सीथन हाइट्स के इंचार्ज हैं जहाँ से हम अभी आए। भैया हमें यहाँ इग्लू वगैरह दिखाने के लिए, इग्लू भी यहाँ पे। वो रहे फ्रेंड्स इग्लू, आगे बढ़ते हैं हम। काफी स्नो रखी है, देखो क्यूटी के पैर अंदर जा रहे हैं फ्रेंड्स, काफी गहरी है स्नो, ओए मेरे पैर भी अंदर घुस रहे हैं, क्यूटी तो आगे बढ़ गई है। ऊपर चलते हैं और देखते हैं इग्लू। राइट, चले चलो चलो चलो। सो हम इग्लू लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, हम स्टे करने का प्लान कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो इससे पहले हम प्लान करें, पहले देख लेते हैं बॉन फायर भी होता है भैया शाम को, बहुत ही मस्त है भाई, यहाँ पे बॉन फायर भी होते हैं फ्रेंड्स।
basically this is the view and विनोद भैया ओपन करके दिखा रहे हैं। आराम से सिर पे मत लगाना। उजाला ही हो रखा है ना। सो फ्रेंड्स इस तरीके से दिखता है इग्लू के अंदर, आप देख सकते हैं। जबरदस्त है फ्रेंड्स नजारा। ये देखिए बेड रखे हुए यहाँ पर और ये ऊपर की वॉल पूरी स्नो से बनी हुई है। सुगुरी कैसा लगा इग्लू के अंदर आके? मस्त एकदम। ये इसका यहाँ एंट्रेंस है फ्रेंड्स, यहाँ से हम अंदर आए और बस मस्त स्टे करने के लिए। वो रही लैंप। सो इस तरीके से रहता है। एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेयर और अगर आपको यहाँ पे इग्लू बुक करने हैं तो हम आपको विनोद भैया का नीचे नंबर दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, एंड उनकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो भी दे देंगे। आप विनोद भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे अपना स्टे बुक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बाहर चलते हैं अभी और बाहर का व्यू देखते हैं। सो ये रहा बाहर का व्यू इग्लू का। थैंक्स विनोद भैया, हमें इग्लू दिखाया आपने, अच्छा लगा। अब हम यहाँ स्टे करने का प्लान कर रहे हैं फ्रेंड्स, कल करेंगे हम यहाँ पे स्टे। चार्जेस क्या है? चार्जेस है 4500 पर पर्सन। इसके चार्जेस है 45 या 5000 पर पर्सन। इसमें आपको इंक्लूड फूड भी है, स्टे है, स्नो बोर्डिंग, स्नो ड्रेस, बॉनफायर है, काफी कुछ एक्टिविटी है फ्रेंड्स यहाँ पे। स्नो बोर्डिंग, ट्यूब स्लाइडिंग भी है, और यहाँ पे शाम के टाइम यहाँ पे बॉन फायर होती है। देखो फ्रेंड्स म्यूजिक, काफी सुंदर नजारा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। भैया ने काफी डेकोरेटिव बना रखा है यहाँ पे, काफी सारे टूरिस्ट आते रहते हैं यहाँ पर। आप लोग भी आइए फ्रेंड्स, हमें तो काफी मजा आया। और मेरी क्यूटी यहाँ रखे हैं स्नो में। सो एंटरटेनमेंट बनाने के लिए हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे फ्रेंड्स। उस गेम में क्या है कि हमें एक हर्ट बनाकर दिखाना है। सो जो जल्दी बनाएगा वो विनर होगा इस गेम का। सो वो रही मेरी एक क्यूटी पार्टिसिपेंट है और एक पार्टिसिपेंट मैं। सो हम शुरू करते हैं गेम हर्ट बनाने का। सो लेट्स स्टार्ट। इज इन प्रॉपर शेप आपको डिसाइड करके बताना है या आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो हम दिखाते हैं फ्रेंड्स किसने कैसे बनाया। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये देखो फ्रेंड्स। और ये क्यूटी का हार्ट कम गुर्दा ज्यादा लग रहा है, तो दिस वन इज माइन। तो आप देख सकते हैं मेरा वाला ज्यादा यहाँ पे। नो दैट टच नहीं करना। सो फ्रेंड्स ये मैंने बनाया और ये क्यूट ने बनाया, पूरा चीज़ें क्लियर करके दिखा दे किसने अच्छा बनाया फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए ये नीचे। So, मेरा जो हार्ट मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी दिन के 2:30 बजे हैं एंड बहुत अच्छी धूप लगी हुई है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ठंड भी नहीं लग रही है एंड हर तरफ स्नो ही स्नो है। एंड ऊपर आप देख सकते हैं इटालियन पिज्जा हट है। एंड नेक्स्ट पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने वहां से पिज्जा खाया था, मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगा था। एंड बहुत ज्यादा टेस्टी पिज्जा एक्चुअली में होता है वहां पे। एंड मैं थोड़ी देर में वहां जाके पिज्जा खाऊंगी एंड आपको भी दिखाऊंगी पिज्जा का। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आर विंडो जहाँ पे हम पिज्ज़ा खाने आए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पिज्ज़ा है। ये थी हमारी सीथन की जर्नी एंड हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी हमारी वीडियो के थ्रू कि किस तरह से यहाँ पे आना है। सो थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।